हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर इंग्लिश रीडर विजडम बुक सो फिफ्थ चैप्टर इट्स नेवर टू लेट पेज नंबर 31. लेट्स सी द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैज बीन रेस्पॉन्सिबल टू ए लार्ज एक्सटेंट फॉर ग्लोबल वार्मिंग. द लाइफ स्टाइल जीवन शैली और पीपल लोगों की इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स कुछ शताब्दियों से हैज बीन रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार रही है टू ए लार्ज एक्सटेंट बड़ी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग उष्मी या भूमंडलीकरण का. तो जो भूमंडलीकरण हो रहा है उसके लिए पिछले कुछ वर्षों में जो लोगों की जीवन शैली है वो बहुत अधिक उत्तरदायी व जिम्मेदार है कि लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ली है. उनके कारण धीरे धीरे जो उनके प्रक्रियाएं चल रही हैं उनसे भूमंडलीकरण में वृद्धि हो रही है. ह्यूमंस यूज वाटर फॉर एवरीथिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड बाथिंग टू ग्रोइंग क्रॉप्स. मानव प्रत्येक कार्य में पानी का उपयोग करते हैं जैसे पीने में, बाथिंग स्नान करने में एंड ग्रोइंग क्रॉप्स फसल उगाने में. सपोर्टिंग लाइफ स्टॉक्स अपने जीवन को सहारा प्रदान करने के लिए एंड फिशर फार्मर्स और मछलियों के फार्म में शिपिंग गुड्स वस्तुओं का उत्पादन करने में, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विद्युत उत्पादन करने में, इन सब के लिए मनुष्य जल का उपयोग करता है. येट क्लाइमेट चेंज इज प्रोड्यूसिंग प्रोफाउंड चेंजेज. जलवायु परिवर्तन से भी बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है इन दिस प्रीसियस कॉमोडिटी इस अमूल्य सामग्री में. थ्रेटनिंग वाटर, थ्रेटनिंग मीन्स आशंकाप्रद वाटर, आशंकाप्रद जल की उपलब्धता. आशंकाप्रद जल से उपलब्धता से मतलब है कि जल धीरे धीरे, जल के जो सभी स्रोत हैं वो कम होते जा रहे हैं, जल धीरे धीरे बहुत ही कम होता जा रहा है तो उसके खत्म होने की पूरी आशंका है. एक्सेज मीन्स अभिगम या पहुंच एंड इवन क्वालिटी और इसकी विशेषता, इन सभी के कारण से क्या हो रहा है, भूमंडलीकरण में निरंतर वृद्धि हो रही है. क्लाइमेट रिलेटेड थ्रेट्स टू ग्लोबल फूड प्रोडक्शन. जलवायु संबंधित धमकियों से या चेतावनी से ग्लोबल फूड प्रोडक्शन, वैश्विक भोजन की उपलब्धता, इंक्लूड रिस्क टू ग्रेन और इसमें रिस्क जो जोखिम है वो शामिल है. ग्रेन अनाज का, वेजिटेबल सब्जियों का एंड फ्रूट क्रॉप्स और फलों की फसलों में भी. लाइफ स्टाइल जीवन की संग्रहण, फिशरीज जो मछली उत्पादन है इन सब में भी, इन सब का जो भूमंडलीकरण है इनका प्रभाव देखने को मिलेगा. वी नीड टू गेट रिड ऑफ प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम आवर लाइव्स. हमें हमारे जीवन से प्लास्टिक से मुक्त होने की आवश्यकता है. फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स पिछले कुछ वर्षों में देयर हैज बीन ए राइजिंग अवेयरनेस, एक जागरूकता बढ़ी है अबाउट द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन द होल वर्ल्ड. पूरे संसार में प्लास्टिक को उपयोग में लेने को लेकर के एक तरह से लोगों में पिछले कुछ वर्षों में जागरूकता आई है. येट अनोदर एरिया that we all need to pay attention to is the decreasing green cover. Yet another area, फिर भी जो दूसरा क्षेत्र है that we all need to pay attention, जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, is the decreasing green cover. वह है कि हमारा जो हरियाली का क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. इट मीन्स जो पेड़ पौधे हैं और जो हमारा वन आवरण है वो कम होता जा रहा है. ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ट्रीज पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं. विच ह्यूमन बींग्स नीड, जिसकी मानव को आवश्यकता होती है, बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं. देयर आर सम टाइप्स ऑफ ट्रीज, कुछ इस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं एंड प्लांट्स पौधे ट्रीज एंड प्लांट्स कुछ इस प्रकार के पेड़ और पौधे होते हैं दैट हेल्प, जो हमारी सहायता करते हैं एब्सॉर्ब में, सोखने में मोर कार्बन डाइऑक्साइड, अधिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को सोखने में हमारी मदद करते हैं. एंड अदर हार्मफुल गैसेज, और दूसरी कुछ हानिकारक गैस को भी लेते हैं देन अदर्स, कुछ अन्य पेड़ पौधों की बजाय. देखिए कुछ पेड़ पौधे की ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं. ग्रासेज फिल ए गैप इन प्लेसेज वेयर देयर इज नॉट एनफ रेन फॉर लार्ज ट्रीज टू ग्रो. और जो घास होती है उनसे वह उस स्थान को भर देती है जहाँ पर अधिक वर्षा नहीं होने के कारण बड़े वृक्षों को नहीं उगाया जा सकता, तो उस स्थान पर घास उगाई जा सकती है.
grasses not only hold the top soil but they also absorb a lot of carbon dioxide. घास न केवल मिट्टी को अच्छी बनाए रखती है बल्कि वे काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करती है. ए लार्ज पैच ऑफ ग्रास, पैच मीन्स भाग, एक बहुत बड़ा भाग, घास का जो एक बहुत बड़ा भाग होता है, कैन ऑब्जर्व मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन ए फ्यू ट्रीज, कुछ पेड़ पौधों के बजाय एक घास का बड़ा भाग बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर सकता है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. तो जितना चैप्टर रीड कराया गया है उसे रीड करें. वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक्स.